घरी ना फ्री फायर में डायमंड्स की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, इसलिए तो लोग जुगाड़ करते रहते कि भाई कहीं से भी हमको डायमंड मिल जाए, बस कहीं से डायमंड मिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दिल थाम के बैठिए, आज की वीडियो में आप लोग ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके सस्ते दामों में डायमंड मिल जाएंगे, एंड ये 100% वर्किंग ट्रिक है। ना 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 ना, मैं आपको ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ जाके कोई वेबसाइट में गेम खेलो, जाए कोई ऐप्स डाउनलोड करो फिर गेम खेलो फिर पैसे जीतो, ना 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 ना। इसका मतलब समझ रहे हो ना, सस्ते दामों में डायमंड चाहिए तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ऐसा नहीं कि 100 रुपए में आपको 1000-2000 डायमंड मिलेंगे, बट बिलीव मी ये जो प्राइस रेंज है इससे आपको कम में ही डायमंड मिलेंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर। तो वालों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे मेरी आवाज क्यों क्या हो गया? अरे अरे, ये आवाज को क्या हो जाता है? बीच बीच में दारू पीता है क्या मेरा आवाज है? आवाज भी दारू पीते हैं क्या भाई? ये तो 2021 से कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि आपको फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेगी। और हाँ भाई, लगे हाथों हमारे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब, देखो यार 100 के कितने करीब है यार, जाके कर दो यार, आज की इस वीडियो तो हो ही जाना चाहिए यहाँ पे 100 के। इस बात पे कर दो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो भाई, कर दो रे। अबे क्या हो गया मेरी आवाज भाई, क्या हो रहा है? इसलिए बोलते हैं साला दारू पी के वीडियो नहीं बनाने का। अबे भाई मैं दारू वारू नहीं पीता हूँ यार, ऐसा कुछ ही मत बोलो। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 6। ये आपको लैंडमाइन पता है? ये जो लैंडमाइन होता है, काफी सारे लोगों को लगता है कि लैंडमाइन टच होगा, मतलब अगर लैंडमाइन को एक डैमेज भी पड़ेगा तो लैंडमाइन फूट जाएगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, आप लोग ऐसा लगता है, पता नहीं आपको ऐसा लगता है, बट अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका सोचना गलत है। हाँ, कड़क है जो आप सोचते हो, गलत है। अभी ये रैप कहां से शुरू हो जा रहा है भाई? तो यहाँ पे आप क्लियरली एक्सपेरिमेंट देखना। आप सभी को मिनी यूज के बारे में पता है, इसका लीस्ट डैमेज होता है, मतलब कम से कम डैमेज। इसका कम से कम डैमेज 13 है जो कि लेग पे लगता है, एंड जो बॉडी डैमेज होता है वो 18 है, ठीक है? तो आप इस चीज को ध्यान रखना, एंड ये मेरी डैमेज वाली स्किन है, सिंगल डैमेज उजी की स्किन में 18-18 का डैमेज पड़ रहा है। और चलो मान के चलते हैं इसका कोई स्किन नहीं है तो शायद 16-17 का डैमेज लगता है, शायद 17 का लगता है। डैमेज का देखना कितना कितना डैमेज पड़ा था उजी से। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ लैंडमैन और उजी का। तो यहाँ पे उजी बोलते हैं या उजी बोलते हैं यार? अबे दोनों एक ही है। तो यहाँ पे मैं लैंडमाइन लगाया एंड मैंने उजी से एक बार इसको शूट किया। इसका लिस्ट डैमेज था 13 या फिर 18, बॉडी डैमेज 18 पकड़ते हैं। तो मैंने 18 मारा लेकिन फूटा नहीं, पर जब मैंने सेकंड मारा तब जाके लैंडमाइन फूटा। मतलब आसान भाषा में है तो लैंडमाइन का डैमेज एक नहीं होता है। काफी सारे लोगों को लगता है कि यार हम लैंडमाइन को टच करते हैं तो फूट जाता है, और लोगों को लगता है कि अगर लैंडमाइन को गलती से एक डैमेज भी लगता है तो वो फूट जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। लैंडमाइन का मिनिमम डैमेज होता है वो है 20। आपको लैंडमाइन के बारे में इंटरेस्टिंग थिंग पता थी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 5। आप सभी को ग्रोजा के बारे में पता है? अबे सबको पता है भाई, वो तो ग्रोजा है। ग्रोजा सभी AR गन का चाचा, पापा, फूफा, दादा सब है वो। तो उससे पहले आप एक एक डैमेज देखो। एक एक डैमेज जो लेग होता है नीचे वाला पार्ट, वहां पे 30-30 का पड़ता है, एंड फिर से देखो 30 का पड़ रहा है यहाँ पे, और जैसे मैं बॉडी पे जाता हूँ 40 का पड़ता है। मतलब लेग और जो बॉडी डैमेज होता है चेस्ट पे वो अलग अलग है, एक एक का हर गन का अलग अलग होता है। जो लेग डैमेज होता है वो 30, मतलब लेग डैमेज बॉडी डैमेज से कम होता है, तो लेग डैमेज 30 सबसे कम डैमेज लेग पे आता है। फिर उसके बाद जो बॉडी डैमेज है वो ज्यादा होता है, फिर उससे ज्यादा होता है हेडशॉट डैमेज। तो हेडशॉट डैमेज सबका अलग अलग होता है, और यहाँ पे लेग डैमेज होगा 30 और बॉडी डैमेज 40, यहाँ पे क्लियरली आपने देखा। अब उसके बाद यहाँ पे आप ग्रोजा का देखो, यहाँ पे मैंने हाथ में ग्रोजा पकड़ लिया है, एंड ग्रोजा पे जो डैमेज है लेग डैमेज 37 था, एंड बॉडी डैमेज आप देखना गाइस, बॉडी डैमेज भी 37 ही है। मतलब ग्रोजा से बॉडी पे कहीं पे भी मारो, हेड को छोड़ के डैमेज सेम ही आएगा, लेकिन बाकी गन्स में ऐसा होता है कि अगर आप लेग पोर्शन में मारते हो तो डैमेज बहुत ज़्यादा कम आता है और बॉडी डैमेज सिमिलर आता है। और हेडशॉट डैमेज की मैं यहाँ पे बात कर नहीं रहा हूँ, तो हेडशॉट डैमेज को यहाँ पे कंसिडर मत करना। तो ग्रोजा एक ऐसी गन है जो कि लेग और बॉडी दोनों में सेम डैमेज देता है, इसलिए मैं ग्रोजा को सभी गन का चाचा, फूफा, दादा, दादी सब बोलता हूँ। दादी नहीं, ये फीमेल नहीं है ना, फीमेल है कि बीच का है, नहीं पता नहीं कौन सा है। डोंट नो फ्री फायर नंबर 4। अब फ्री फायर खेलते हो तो आपको इनहेलर के बारे में तो पता ही होगा। ये इनहेलर कितनी काम की चीज है, कितनी काम की चीज है, चलो मैं आपको पूछता हूँ कितनी काम की चीज है। आई नो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इतनी काम की चीज है इनहेलर। अब इनहेलर के बारे में आपको एक खतरनाक सी चीज बताता हूँ मैं। तो आप सबको चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम इनहेलर को यूज करते हैं तो हमें 25 HP और 25 EP देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो EP काउंट हो रहा है, HP को भूल जाए, HP आपको पता ही है कि 25 देता है, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा EP और HP 25-25 देता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जिसको आप देख के शॉक हो जाओगे। अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं इन्हें यूज कर रहा हूँ एंड फिर थोड़ा सा मूव हो जा रहा हूँ, तो यहाँ जो है 25 EP दे ही नहीं रहा है, वो 9 या फिर 5 पे ही पहला वाला रुक गया। अब यहाँ पे फिर से देखो, देखो पूरा 25 EP हमें मिल नहीं रहा है। यहाँ पे आप लोग फिर से क्लियरली देख सकते हो, तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो आप जब भी इनहेलर यूज करोगे तो आपको कभी भी फायर बटन को टच नहीं करना है। यहाँ पे आप देखो, मैं इनहेलर यूज करता हूँ, फिर उसके बाद फायर बटन को ऐसे मूव कर देता हूँ, फिर टच कर देता हूँ, तो फिर वो हम लोगों को पूरी ईपी मिलती नहीं है। ये ग्लिच है या क्या है आई डोंट नो, बट अगर आप इनहेलर यूज करते करते गन स्विच करते या फिर कुछ और मूवमेंट वगैरह करोगे तो आपको आपकी ईपी पूरी मिलेगी, लेकिन अगर आप गलती से फायर बटन को क्लिक कर दोगे तो आपको ईपी पूरी नहीं मिलेगी। वो भाई स्टार्टिंग के
एक दो मिल के ही रुक जाएगी, जैसे कि आप हमें बैकग्राउंड में देख ही सकते हो। थिंग्स यू डोंट नो मोर फ्री फायर नंबर 3। अब गाइस ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो प्लाज्मा गन होती है इसमें कोई भी एमओ नहीं होती है, और प्लाज्मा गन में रिचार्ज वाला कुछ मोड होता है, रिचार्ज वाला ऑप्शन होता है जो कि अपने आप रिचार्ज होने लगता है प्लाज्मा गन। बट मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप प्लाज्मा गन की एमओ चेक कर सकते हो कि प्लाज्मा गन में एक्चुअली कितनी एमओ होती है। इसके लिए आपको पड़ेगी एक ग्लूवल की जरूरत और प्लाज्मा गन की। तो यहाँ पे देखो प्लाज्मा गन 0% है, यहाँ पे ऊपर देखो, जिसमें ग्लूवल पकड़ता हूँ हाथ में तो आप 150 एमओ दिखता है। मतलब अगर आप प्लाज्मा गन पकड़ के ग्लूवल हाथ में पकड़ोगे तो आपको प्लाज्मा गन की एमओ देखने मिल जाएगी कि उसमें एमओ टोटल होती कितनी है। तो मैं यहाँ पे आपको स्पेशली वीडियो दिखा रहा हूँ, लोग मजे मजे में बोल देते कि भाई एडिट किया है तूने, लेकिन यहाँ एडिट कहाँ से करूँ, मैं इतना प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देखो मैं प्लाज्मा गन से बहुत सारा फायर करता हूँ, देखो चार्जिंग कितनी सारी खत्म कर दी मैंने। अब मैं ग्लूवल हाथ में पकड़ता हूँ, यहाँ पे देखो 87 एमओ है अंदर। मतलब सच में यार ये ट्रिक वर्क करता है, आप लोग प्लाज्मा गन की इस तरीके से एमओ चेक कर सकते हो कि इसमें एक्चुअली एमओ कितनी होती है। तो इसी बात पर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। ए मामा कर दे रे सब्सक्राइब, ने मामा कर दे यार, कितना तड़पाएगा रे 3 मिलियन के लिए। चमाइला, मेरे को लगता है मेरे आवाज ने सुपारी लिया साल, आज वीडियो में बहुत आवाज चेंज हो रही है, इसका तो गेम बजाना ही पड़ेगा बहुत जल्द, देख लेगा मैं तेरे को मेरी आवाज बहुत जल्द। थिंग्स यू डोंट नो मोर फ्री फायर नंबर 2। तो एक्चुअली ये वाली एक फनी ट्रिक है जिससे आप अपना मूवमेंट है उसको चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जिससे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। अब देख ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा बंदा चल रहा है लेकिन एक्चुअली में भागता है, इसे अपने फ्रेंड को शॉक कर सकते हो। मतलब बोल सकते हो देख भाई मैं इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूं, तू कर सकता है क्या? नहीं नहीं तू कर सकता है क्या? अरे तू कर सकता है क्या? तू कर सकता है तो बात कर बाबा आगे, नहीं तो निकल पहली फुर्सत नहीं। मतलब ऐसा बोल सकते हो लेकिन बोलना मत यार, क्यों ऐसा दोस्तों को बोलोगे। और आपको ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए अपना हैंड स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट रहना पड़ेगा, फास्ट रहना चलता ही नहीं है, ट्रिक काम ही नहीं करता। नाउ सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि किस तरीके से करना। सबसे पहले आपको राइट फायर बटन का काम है, यस आपने अच्छे से सुनना, राइट फायर बटन का काम है। फिर राइट फायर बटन के साथ जैसे आप राइट फायर बटन को दबाओगे, फायर करोगे, फिर उसके बाद आपको ये क्राउच वाला बटन दबाना है, जो बैठने का बटन होता है वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ग्रेनेड वाला बटन दबाना है, ये ग्रेनेड का बटन होता है वो वाला। देन उसके बाद जल्दी से आपको फोर्थ नंबर पे ये फायर वाला बटन दबाना, ये रन वाला बटन दबाना है। ये 5 स्टेप करना है, और ये 5वां स्टेप आपको 0.5 सेकंड के अंदर करना है। अगर आप इसको 0.5 सेकंड के अंदर करते हो तो आपका जो ट्रिक है कुछ इस तरीके से वर्क करने लगा, जिस तरीके से आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। ये उतना भी कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल ही है, बस आपको थोड़ा फास्ट हैंड वर्क करना पड़ेगा, मतलब जो आपका हैंड मूवमेंट है उसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट, थैंक्स टू नोटबुक फ्री फायर नंबर 1। एंड मुझे पता है आप लोग इस चीज का बहुत समय से वेट कर रहे हो कि भाई हम लोग सस्ते में ज्यादा डायमंड कैसे ले सकते हैं, और ये ट्रिक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 100% वर्किंग है एंड 100% रियल है। तो अगर आपको कोड चाहिए, सपोज आपको रिडीम कोड के बारे में पता है ना, अगर आपको रिडीम कोड चाहिए, आपको 1000 रुपए का रिडीम कोड चाहिए, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1000 रुपए, तभी आप 1000 रुपए का रिडीम कोड ले पाओगे। मतलब 1 रुपीज, मतलब 1 रुपीज का रिडीम कोड। और काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दुकान में जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं कि भाई रिडीम कोड बना दो, तो वो भाई वो तो अलग ही नशे में रहता है साला, वो अलग ही चार्जेस करता है। 1000 का रिडीम कोड बनाओगे 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, ऐसा ऐसा होता है, तो आपका चूना लग जाता है। तो आप ऐसे में अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ऐप की जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। अब देखो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, फ्लिपकार्ट ने स्पॉन्सर नहीं किया है, फ्लिपकार्ट थोड़ा मेरे को स्पॉन्सर करेगा भाई। ये आपके मोबाइल में डिफॉल्ट होता ही होगा, होगा आपके मोबाइल में, चेक करो, सबके मोबाइल में होता है। जैसे हम शॉपिंग करते हैं, कुछ खरीदते हैं ऑनलाइन, तो इसमें आपको जाना है, फिर उसके बाद सर्च करना है गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड, और यहाँ पे आप लोग सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर उसके अंदर जाओगे। सो यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे आप लोग प्ले रिचार्ज, मतलब जो गूगल प्ले, मतलब गूगल रिन्यू कोड यार वो होता है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, और यहाँ पे आपको 1% ऑफ मिलेगा। इन शॉर्ट अगर आप 100 रुपए का रिडीम कोड बनाते हो तो आपको 100 रुपए का 99 रुपीज देना पड़ेगा, मतलब आपका 1 रुपया बचेगा। और अगर आप 1500 का बनाते हो तो आई थिंक कुछ 15% ऑफ, मतलब यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ कुछ पैसे बच रहे हैं। यहाँ पे ऑफर जब चल रहे होते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है ये बढ़ जाता है, कभी कभी 10% का डिस्काउंट भी हो जाता है। जस्ट अभी दिवाली आने वाली है तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ डिस्काउंट वगैरह देखने मिलेगा, ऑफ देखने मिलेगा। तो अगर आप वहाँ पे 100 रुपए का रिडीम कोड अगर वहाँ पे बनाओगे, वहाँ से बनाओगे पेटीएम और वहाँ से छोड़ के अगर फ्लिपकार्ट से 100 रुपए का रिडीम कोड बनाते हो, तो अगर 10% ऑफ रहेगा तो 100 रुपए का आपको 90 रुपए में 100 रुपीज का रिडीम कोड देखने मिल जाएगा। मतलब यहाँ से आपके पैसे बचत हो रहे हैं। तो मेरी इस ट्रिक का यूज कर सकते हो अपना पैसा सेव करने के लिए। अगर आप महीने में 4-5 हजार रुपए भी लगाते हो तो हर 100 रुपए के पीछे आपका 1 रुपए बचेगा, तो महीने के 4-5 मतलब 4000 रुपए मिला लो महीने के, आप अगर वेस्ट करते हो गेम में तो वहाँ पे आपके 400 रुपए बच रहे हैं भाई, और 400 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। काफी बंदे बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। ओ भाया, जिंदगी भर फ्री फायर खेलने वाले हो, जिंदगी भर पता नहीं कितने का टॉपअप करोगे, अगर हर बार 1 रुपए बचाओगे तो पता नहीं कितना सारा पैसा बच जाएगा। मतलब बातें कैसे कैसे कर लेते हो सर जी, बूंद बूंद से सागर बनता है। और भाई ये फ्लिपकार्ट है तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे हमारे पैसे डूब जाएंगे, फ्लिपकार्ट है भाई। फ्लिपकार्ट के बारे में सुना होगा यार, मैं कितना बताऊँ फ्लिपकार्ट के बारे में। अमेजोन सुना है ना,
अमेजोन, तो अमेजोन जैसा ही है, यहाँ पे फ्रॉड कहाँ से होगा भाई। अगर आप लोग वहाँ से परचेस करते हो तो आप लोग वहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी डाल देना, जिससे आपकी ईमेल में वहाँ पे आपका गूगल रिडीम कोड आ जाएगा। पसंद आया हो और आप लोग इंस्पायर हो चुके हो पैसा बचाने के लिए, तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो। वो भाई ये खतरनाक था यार, पैसे बचाने के लिए इंस्पायर हो गए हो तो यार कर दो लाइक। मैं तो बहुत ज्यादा कंजूस हूँ, मैं बहुत पैसा बचाता हूँ भाई। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करें ना, आप लोगों को ऐसी फ्री फायर रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट मिलता रहेगा इस चैनल पे। और कर रहे हो सब्सक्राइब तो लगे तो मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। इस चैनल से आपको क्या एलर्जी है, इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या ही चला जाएगा, हमारा ही तो चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।